बेसिकली टीथ में, जबड़े में बेसिकली, वहाँ पर कुछ सेप्टिक जैसा कुछ हो गया था, जिसकी वजह से डॉक्टर्स ने उनको बताया था कि आपको वो पूरा जबड़ा, एक साइड का आपका मुंह का जो पूरा एक जबड़ा होता है वो पूरा निकालना पड़ेगा। नमस्कार, जय जिनेंद्र। मैं एक और विषय पर जो केसेस अपन करते हैं हेल्थ वाइज, मंत्र हीलिंग से, मंत्रों के द्वारा, जिसको हम मंत्र हीलिंग बोलते हैं, कि मंत्रों के द्वारा किसी भी चीज को हील करना, वो चाहे हेल्थ इश्यूज हो, चाहे वो फैमिलियर इश्यूज हो, चाहे वो पैरानॉर्मल इश्यूज हो, चाहे वो आपके कैरियर या एग्जाम, इस तरीके के जो भी इश्यूज हो। कुछ समय पहले मेरे पास एक महाराष्ट्र के एक क्लाइंट आए थे। नॉर्मली क्या होता है, हम अपने सभी केसेस में अपने क्लाइंट्स के नाम को नहीं बताते हैं, इसलिए क्योंकि हम वो सारी चीज़ों को बेसिकली सिक्योर्ड रखते हैं, परमिशन विदाउट, अपने किसी भी क्लाइंट का नाम भी नहीं बताते हैं इसीलिए। बहरहाल, तो महाराष्ट्र के क्लाइंट मेरे पास आए थे, उनका ट्रीटमेंट भी चल रहा था, और उनके बेसिकली टीथ में, जबड़े में बेसिकली, वहाँ पर कुछ सेप्टिक जैसा कुछ हो गया था, जिसकी वजह से डॉक्टर्स ने उनको बताया था जबड़ा, एक साइड का आपका मुंह का जो पूरा एक जबड़ा होता है वो पूरा निकालना पड़ेगा। जब वो मेरे पास आए थे, मैंने सारी चीज़ों को डायग्नोस करा, डाउजिंग एस्ट्रोलॉजी से सारी चीज़ें करी, देखा, और बड़ी सिंसियरली उन्होंने मंत्र हीलिंग ली। कई बार वो भोपाल भी आए हमारे सेंटर पे, जहाँ उन्होंने मंत्र हीलिंग ली। अदरवाइज जैसे हम फ़ोन कॉल पे करते हैं या वीडियो कॉल पे करते हैं, उन्होंने हमसे रेगुलर मंत्र हीलिंग ली। और आप यकीन करिए, आई थिंक क्योंकि नॉर्मली जो मैं एक टेन्योर लेके चलता हूँ किसी भी हेल्थ में, वो 10 से 12 वीक का होता है, और वीक में दो बार हीलिंग लेता हूँ, मंत्र हीलिंग लेता हूँ, तो वो बिल्कुल 10 से 12 वीक वाले हमारे टेन्योर में उनका वो पूरा जबड़ा बिल्कुल अच्छा हो गया, बिल्कुल स्वस्थ होकर वो अपना खाना पीने लग गए। वहाँ से उनको बिना खाने पीने में किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं हो रही थी, जहाँ उनका ट्रीटमेंट चल रहा था। जब डॉक्टर्स ने बाद में रिपोर्ट निकाली तो उन्होंने कहा बिल्कुल ओके है भाई, ये सब कैसे हो गया और किस तरह से हो गया, लेकिन वो चीज़ बिल्कुल हुई और वो आज भी स्वस्थ हैं, और बकायदा अपने मुंह से उस जबड़े की उस साइड से, उस दांतों की उस साइड से पूरा खाते हैं, चबाते हैं, एवरीथिंग मींस उनको कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। तो भाई, वो कहावत भी है ना यार, गॉड इज़ ग्रेट, तो भगवान से बड़ा और कौन है। यदि भगवान ने आपका हाथ थाम लिया तो जीवन में निश्चित ही सफलताएँ मिलेंगी मिलेंगी। अब जैसे मेरे एक क्लाइंट हैं, उनको कहीं पथरी बताई गई थी शरीर में, जिस जगह पथरी बताई गई थी डॉक्टर्स ने कहा था उसको ऑपरेट करना होगा, लेकिन फिर वही बात आती है कि मंत्रों की ताकत, ईश्वर की शक्ति, हमारे घंटाकर्ण महावीर का आशीर्वाद, बड़े छोटे से समय, मतलब आई थिंक मैंने कोई 7-8 हीलिंग ही ली होंगी उनकी, और बिल्कुल अच्छी हैं, बढ़िया हैं, किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं है, पिछले 5 साल में कोई समस्या नहीं है उनको। आज भी उनके रिश्तेदार भी उनसे बोलते हैं भाई कि तुमको वो प्रॉब्लम हुई थी, तुम्हारी ठीक कैसे हो गई, तब वो बताती हैं कि मेरी ऐसे ठीक हो गई। तो मेरा इन सब चीज़ों को बताने का बेसिकली उद्देश्य ये होता है कि आप उन सब चीज़ों को, हर व्यक्ति, मतलब एक जनरल व्यक्ति भी उन सब चीज़ों को समझे कि हम अपने इष्ट देवी देवता, कुल देवी देवता, या उन सब के ऊपर पूरा भरोसा करें अपनी किसी भी, क्योंकि हम खुशी में जब उनको याद करते हैं तो दुख में भी उनसे प्रार्थना करें, लेकिन पूरी श्रद्धा और विश्वास के साथ, केवल दुनिया को दिखाने के लिए नहीं। तो इन मंत्रों में बड़ी ताकत होती है। अब वो मंत्रों की ताकत वाणी से चलती है ना, किस वाणी में कितनी ताकत है कि वो मंत्र प्रभावशाली बनेगा,
मान लीजिए मैं एक मंत्र बोलता हूँ, एक बार बोलता हूँ, उसका प्रभाव 1,000, 1 करोड़ बार भी मिल सकता है। एक आम आदमी कोई मंत्र बोलता है और उसका प्रभाव कई साल करने के बाद भी वो एक मंत्र का एक ही प्रभाव मिलता है, तो ये फ़र्क पड़ता है। हर आदमी अपनी फील्ड का मास्टर है, हर फील्ड को हर आदमी अपनी तरह से डील करता है, समझता है। और मैं भी उन्हीं लोगों के साथ में काम करता हूँ जिनको श्रद्धा और विश्वास होती है और जिसमें मुझे काम करने में सेटिस्फेक्शन मिले, मुझे काम करने में आनंद आए, मुझे ऐसा लगे कि नहीं यार, जो ईश्वर ने मुझे दिया है वो मैं किसी को दे पा रहा हूँ, तभी मुझे भी काम करने में मज़ा आता है। इसलिए मैं जनरली बहुत ज़्यादा हर किसी के काम में इंटरेस्ट भी नहीं लेता हूँ।